आपके पास कोई भी ऐसा फैंसी पंखा आता है जिस पर आपको प्लास्टिक की डिजाइन मिलती है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको खोल कैसे सकते हैं जिससे कि कोई भी डैमेज नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली रिंग है उसको निकालना होता है। तो निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये स्क्रू दिए हुए छोटे छोटे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको खोलना होता है। तो चलिए हम इसको टेस्टर की सहायता से खोल देते हैं। तो इस प्रकार से खोलने के बाद आप ऊपर की जो रिंग है जो कि प्लास्टिक की, उसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे आपका जो पंखा है इसके जो मेन बोल्ट है जो कि तीन आपको मिलते हैं, इसको यहाँ पे निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको तीनों बोल्ट को यहाँ पे खोल देना है। जब यहाँ पे आप तीनों को इस प्रकार से खोल देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको खोल देते हैं तो यहाँ पे ऊपर जो कैपेसिटर और जो वायरिंग है इसको खोलना है। और यदि आपको यहाँ पे जो एक बोल्ट मिलता है तो आप उसको भी खोलना है। और यदि आपको लगता है यहाँ पे कचरा है तो आपको साफ कर लेना है। और यहाँ पे आपको ऑयल देना है जिससे कि ये आराम से खुल जाए। उसके बाद आप टेस्टर या पेक्सस की सहायता से दोनों साइड में इस प्रकार से लगा के फिर आप इसको ऊपर खींचते हुए इस प्रकार से इस ढक्कन को निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये निकल जाए तो आपको क्या करना है कि नीचे वाली यदि आप रिंग निकालना चाहते तो यहाँ पे आपको इसके स्क्रू मिल जाते हैं जिससे कि आप इसको भी निकाल सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पे इसको निकालने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप फैंसी जो पंखे होते हैं इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।